हमारे सभी श्रोतागण, आज हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस के बालकांड का दूसरे श्लोक से तीसरे श्लोक तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसके बाद प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इसको सुनने का प्रयास अवश्य करें। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत पूर्वक प्रेम पूर्वक से इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। यहाँ बात कही गई है धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात पहले धर्म का आचरण करें, जो धारण करने योग्य है उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, इसलिए धर्म के बाद अर्थ की बात आई है। धर्म के द्वारा जो धन कमाया जाता है उसे काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं चारों फल। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहूँ ही पिक बकव मराला। सुनि आचरज करय जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। संत समाज का सत्संग रूपी तीर्थराज, इसमें कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु बेदन यान उपाऊ। जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात सत्संग में समय ना बिताकर लोग गलत स्थानों में फंसकर मानसिक तनाव ईर्ष्या लोभ लालच में डूबे रहते हैं और इस प्रकार के फल प्राप्त होने वाले सत्संग के महत्व को नहीं जान पाते हैं और अपना जीवन बिताते रहते हैं और वे नरक के समान कष्ट सहन करते हैं। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब जानकारी नहीं होगी कि हमें संतों के साथ सत्संग में अपना समय बिताना चाहिए। गृह कलेश, सत्संग छोड़ करके लोभ लालच ईर्ष्या कलह में अपना समय लोग व्यतीत करते हैं। राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है।
सदगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। लेकिन सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहिं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहिं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं सत्संगति में बहुत दिनों तक रहने पर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, उनमें क्रोध मोह काम ईर्षा द्वेष सदा उनके दिल दिमाग में छाया रहता है, फिर भी ऐसे दुष्ट लोगों को सत्संग की तलाश करते रहना चाहिए। हो सकता है कि कहीं सत्संगति का प्रभाव उन पर पड़ जाए। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हितयन हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों से फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ मत है कि हमें सदैव संतों का सत्संग करते रहना चाहिए। मानसिक कलह ईर्षा लालच लोभ मोह अहंकार में व्यर्थ का समय नहीं बिताते रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग केवल लालची हो जाते हैं, कलह ईर्षा द्वेष में ही अपना समय बिताना बहुत अच्छा समझते हैं। मैं ऐसे दुष्ट लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार के सत्संग में रुचि नहीं लेते हैं, ताकि वे कहीं कोई हानि ना पहुँचाएँ। इस प्रकार वीडियो बड़ी होने के कारण अगली जानकारी हम अगले भाग में देंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।